सीएमजी स्टडी की जरूरत उन पेशेंट में पड़ती है जिनमें कोई मांसपेशी की बीमारी हो या कोई नस की बीमारी हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, न्यूरोफिजिशियन, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशी की स्टडी होती है जिसमें हम एक छोटी पतली निडिल के माध्यम से मांसपेशियों की गतिविधि या एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग करते हैं। ईएमजी स्टडी की जरूरत उन पेशेंट में पड़ती है जिनमें कोई मांसपेशी की बीमारी हो या कोई नस की बीमारी हो, जैसे मायोपैथी इन्फेक्शन के बाद हो सकता है, उन कंडीशंस में इसकी जांच करते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें मसल्स सूखने लगती हैं, जैसे एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या ALS, मोटर न्यूरॉन डिजीज जिसको कहते हैं। इस बीमारी में भी ईएमजी का जांच करते हैं। ईएमजी जांच करने में समय लगता है तकरीबन 30 मिनट से एक घंटा। हल्का सा दर्द होता है मरीज को इसमें, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि एक पतली निडिल के थ्रू इसको करते हैं। अगर और डिटेल की जरूरत है तो हमारे हेरिटेज हॉस्पिटल की वेबसाइट पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।